नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना लर्निंग चैनल लर्निंग विद राजेश। नाइन्थ क्लास ज्योग्राफी से आज हम लेसन 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अफवाह। हमने ज्योग्राफी में 2 लेसन कर लिए हैं। आई होप कि आपको दोनों लेसन अच्छे से समझ आए होंगे। आज का हमारा टॉपिक अफवाह है, जिसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि अफवाह का अर्थ क्या है। अफवाह से अभिप्राय किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से है। अब आपको ये दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि मान लिया कि अफवाह से अभिप्राय किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से है, ये नदी तंत्र क्या है? तो दूसरे पॉइंट में हम जानेंगे कि नदी तंत्र क्या है। नदी तंत्र किसी क्षेत्र की मुख्य नदी व सहायक नदी से मिलकर नदी तंत्र बनता है। तो आपको पता है कि मान लीजिए आपसे कोई पूछे भी आपका नदी तंत्र कौन सा है, आप कह सकते हैं कि हमारा भाखड़ा नदी तंत्र है, कि भाखड़ा और उसकी सहायक नदियों से हमारे यहाँ पर पानी आता है। तो आप बता सकते हैं कि नदी तंत्र किसे कहा जाता है। आई होप कि एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि किसी क्षेत्र की मुख्य नदी और सहायक नदी मिलकर नदी तंत्र बनाती हैं। उसके बाद और अपवाह तंत्र भी में नदी तंत्र आता है, ठीक है। अपवाह से अभिप्राय किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से है। उसके बाद अपवाह द्रोणी, अपवाह द्रोणी एक नदी तंत्र जिससे किसी क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, उसे अपवाह द्रोणी कहा जाता है। तो यानी कि मान लिया कि हमारे यहाँ पर भाखड़ा नदी से जल आता है, तो हमारी भाखड़ा अपवाह द्रोणी है। तो आपको समझ आया कि एक नदी तंत्र जिससे किसी एरिया को जल प्रोवाइड करवाया जाता है, वाटर प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे कि अब हम जानेंगे कि गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है। तो आप क्या समझे कि भारत के बहुत से एरिया को गंगा नदी द्वारा जल उपलब्ध करवाया जाता है। तो आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से अपवाह द्रोणी का मीनिंग समझ आया होगा। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र नील नदी तंत्र है। अब वही बात आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि नील नदी तंत्र विश्व का, यानी नील नदी और उसकी सहायक नदियाँ सबसे बड़ा एरिए को पानी उपलब्ध करवाती हैं। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी क्या है, गंगा नदी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जल विभाजक, जल विभाजक ऐसा ऊंचा पर्वत या भूभाग जो दो नदी क्षेत्रों को अलग करता है, जो दो नदियों को अलग करता है, ऐसे पर्वतीय या ऊंचे भूभाग को क्या कहा जाता है, जल विभाजक कहा जाता है। आई होप कि आपको पिक्चर से समझ आया होगा कि नदी ए इधर है, नदी बी, यानी बीच में कोई पर्वत है या ऊंचा भूभाग है जो दो इन दो नदियों को अलग कर रहा है, तो वो अलग करने वाले पर्वत या ऊंचे भूभाग को जल विभाजक कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद भारत में अपवाह तंत्र, अब भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी आपको पता है कि अपवाह तंत्र में एक नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ सब शामिल होती हैं। तो भारत में एक तो हिमालय की नदियाँ हैं, एक अपवाह तंत्र बनाती हैं हिमालय की नदियाँ, यानी जो हिमालय से निकलती हैं। दूसरा प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। फिर हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। अभी हम मैप के जरिए भी जानेंगे कि भारत की नदियों यानी भारत के अपवाह तंत्र को कैसे बांटा गया है। उसके बाद हिमालय की नदियों की विशेषताएँ, हिमालय की नदियों की विशेषताएँ हम जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि भारत के अपवाह तंत्र को कैसे बांटा गया है। देखिए, भारत के नदी तंत्र को, नदी प्रणाली को दो भागों में बांटा गया, पहले हिमालय नदी, दूसरी प्रायद्वीपीय नदी। अब हिमालय नदी तंत्र में कौन कौन से नदी तंत्र आते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय पठार में कौन से आते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को फिर दो भागों में बांटा गया है, एक पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली, यानी जिनका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। प्रीवियस लेसन में आपने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में जाना था, तो अब हम जानेंगे कि दूसरा भाग है सह्याद्री या विंध्य श्रेणी से जिनका उद्गम होता है, यानी जो पूर्वी घाट से निकलती हैं नदियाँ, उन्हें क्या कहा जाता है, पूर्वी घाट से उद्गम होने वाली नदियाँ। अब उनमें भी फिर प्रमुख नदियाँ हैं, उनके बारे में आगे जानेंगे कि पश्चिमी घाट से कौन सी नदियाँ निकलती हैं और पूर्वी घाट से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद
तो देखिए हम पढ़ रहे थे कि हिमालय की नदियों की विशेषताएं हैं कि हिमालय की नदियां बारहमासी हैं और हिमालय की नदियां सदानीरा हैं। सदानीरा का मतलब और बारहमासी यही है कि जो जिसमें साल भर पानी रहता है। साल भर पानी क्यों रहता है? क्योंकि ये बर्फीले क्षेत्र से आती हैं, पहाड़ों से बर्फ पिघल कर इसमें आती रहती हैं, इसलिए ये वर्षा पर निर्भर नहीं है। उसके बाद हिमालय की नदियों में मुख्यतः गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र को शामिल किया जाता है। उसके बाद इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण किया है, यानी कहने का मतलब है जब नदी पर्वत को काटकर एक सुंदरीय गहरा खड्ड बना देती है उसे गार्ज कहा जाता है, यानी दोनों तरफ पर्वतों की टुकड़े खड़े रहते हैं, बीच में खाई बन जाती है, उसे गार्ज कहा जाता है। उसके बाद ये नदियाँ तीव्र अपरदन करती हैं। तीव्र अपरदन करेंगी क्योंकि पहाड़ों से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से आती हैं तो नीचे बहाव तेज होता है, तो तीव्र अपरदन करती हैं और ये मध्य और निचले भाग में विषर्प बनाती हैं। विषर्प का मतलब है सांप की तरह बहती हैं। और गोखुर झील का निर्माण, जो कक्षा 7 NCERT ज्योग्राफी में आपने जाना था कि जब ये विषर्प लूप, यानी कि जो विषर्प ये सांप की तरह जो किनारे हैं तो मिट्टी आने की वजह से ये किनारे कट जाते हैं नदी से और कट करके एक झील की आकृति ले लेते हैं जिसे गोखुर झील कहा जाता है। उसके बाद ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। आई होप कि आपको पता है कि डेल्टा किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि डेल्टा किसे कहा जाता है। नदियाँ अपने मुहाने पर रेत व गाद की डेल्टा जैसी, मैथ में आपने डेल्टा पढ़ा होगा कि ट्रायंगल शेप जैसा होता है, तो ऐसी त्रिकोणीय आकृति बना देती हैं जिसे डेल्टा कहते हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि ये अपने मुहाने पर, मुहाने का मतलब क्या है, पिक्चर में आप देख रहे हैं कि मुहाना मतलब जहाँ नदी समुद्र में मिलती है, तो क्यों बनाती है? क्योंकि इसमें इतना रेत कण गाद कण इकट्ठा हो जाता है कि नदी कई भागों में बंट जाती है और वो कई भागों में बंट जाती है, उन्हें वितरिकाएं डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, हमने लेसन 2 में पढ़ा है। तो देखिए कि नदियां मुहाने पर आने से पहले कई भागों में बंट जाती है और अपने आसपास रेत या गाद का एक त्रिकोणीय इलाका बनाती हैं, आकृति बनाती हैं जिसे डेल्टा कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, आपने GK में पढ़ा होगा। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग।